हाय गाइस, हेलो, कैसे हो तुम सब लोग? यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, सुपरमार्केट का। हर इलाके में एक सुपरमार्केट होता है जहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। इस गेम में हमें एक सुपरमार्केट बिल्ड करना है। हम एक छोटे से दुकान से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको कमाई कर करके उसको इम्प्रूव करके हमें एक सुपरमार्केट में चेंज करना है। गेम स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमारे पास बहुत ही छोटा सा स्टोर होगा, उसको हमें करना है। इसको यस करते हैं, ये वेलकम मैसेज, इसको ओके किया। इसके बाद हमें अपनी शॉप, ये साइकिल हमारा है। अच्छा, हमें अंदर जाना है अपनी शॉप के। और ग्राफिक्स हर दफ़ा की तरह सिमुलेटर गेम के बहुत अच्छे हैं। अपने कंप्यूटर ट्यूटोरियल, ऑर्डर गुड्स यूजिंग योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमारे तीन चीज़ें हैं, बैंक, मैनेजमेंट, मार्केट। सबसे पहले बैंक देखते हैं। बैंक में हमारे पास लोन है 750 डॉलर्स का, जो हम अभी ले सकते हैं, और बाकी लॉक्ड हैं। उसके लिए हमें लेवल अप करना पड़ेगा। और यहाँ से लोन की पेमेंट है कि हमें कितनी किस्तों में लोन वापस करना है, और जितनी किस्तें ज़्यादा होंगी उतना इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। इसकी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, अगर हमें इससे बचे ही रहें तो अच्छा है। इसके बाद पेमेंट्स, पेमेंट्स में लोन, अच्छा पेमेंट, लोन की पेमेंट डिटेल्स आएंगी यहाँ पर। इसके बाद मैनेजमेंट में लाइसेंस है, प्रोडक्ट लाइसेंस, ये चीज़ें बाय कर, चीज़ें बढ़ाने के लिए हैं स्टोर में। जैसे जैसे हमारा स्टोर बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हमें उसमें प्रोडक्ट्स बढ़ानी पड़ेंगी, और प्रोडक्ट्स, नई नई प्रोडक्ट्स रखने के लिए हमें लाइसेंस बाय करने पड़ेंगे। ये सीन पहली दफ़ा देखा है किसी सिमुलेटर गेम में। बहरहाल, आगे बिल्स में, ऑल बिल्स आर पेड, ऑल रेंट्स आर पेड, ग्रोथ, ये मेरा ख्याल है सुपरमार्केट के अपडेट्स हैं। यहाँ पर न्यू न्यू सेक्शन अनलॉक होंगे। इसके बाद हायरिंग है, हायरिंग में कैशियर 1, 2, 3, 4, यानी कि हमारा सुपरमार्केट बहुत बड़ा होने वाला है, जहाँ पर 4 कैशियर्स होंगे। और इनमें से हम कोई भी, इनमें से हम कोई भी अभी हायर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा लेवल अभी बहुत कम है। पहला कैशियर लेवल 10 पे अनलॉक होगा, फिर लेवल 20, 30 एंड लास्ट वाला लेवल 50 पे, और अभी हमारा लेवल 1 है। इसके बाद स्टोरेज है, स्टोरेज अभी अनलॉक नहीं है। ये मेरा ख्याल है अभी गेम में ही नहीं आई, ये अपकमिंग है जो नेक्स्ट अपडेट में आएगी। कस्टमाइजेशन भी अभी नहीं आई, यानी कि अभी हम अपने स्टोर का नाम भी नहीं रख सकते। इसको बंद करते हैं और अपने मेन ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, मार्केट। यहाँ से हमें चीज़ें बाय करनी है, और ये फर्नीचर वाला सेक्शन है। प्रोडक्ट्स में अभी हमारे पास हैं $50, और सीडीएल आ रहा है $35 का। ब्रेड है $11, फ्लोर है $6, शुगर है $13, पास्ता $7, और ऑयल $18। सबसे पहले हम ब्रेड बाय करते हैं, $11 ये हो गए। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ में नाश्ते का सामान अगर करें तो सीरियल रखते हैं, $47 हो गए हैं, 50 है। इसको चेकआउट करते हैं और सामान हमारा कहाँ पर आया है, इसको क्लोज करो। सामान हमारा आया है आई थिंक वो बाहर ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ये हमारा सामान आ चुका है, सीरियल। अच्छा, इस रैक से शुरू करते हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आ रहा है। बहरहाल, हम इस रैक से शुरू करते हैं। ये सबसे ऊपर सीरियल्स सारे एक ही शेल्फ में आ गए। इसको बास्केट में, नेक्स्ट ब्रेड, ब्रेड इसके साथ वाले शेल्फ पे रख देते हैं। ये ब्रेड आ गई, ये भी गया बास्केट में। अभी तो ना इसकी प्राइस सेट करनी है, और जल्दी से इसकी प्राइस सेट कर देते हैं। प्रोडक्ट्स की मार्केट प्राइस है 5.98 और एवरेज कॉस्ट है $2.99, तो मैं इसको मार्केट से लेस प्राइस में सेल करूँगा। मैं इसकी प्राइस रखता हूँ $5.5। ओके, 2.51 का प्रॉफिट हो रहा है। इसको ओके करते हैं, और ब्रेड की प्राइस है 0.99, मार्केट प्राइस है 3.96, तो इसको मैं कर देता हूँ $3.5। ओके हो गया, इसमें भी 2.51 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके बाद शॉप को ओपन करते हैं और वेट फॉर द फर्स्ट कस्टमर, पहले कस्टमर के लिए वेट करना है और
कस्टमर आ भी चुका है। सर ने एक सीरियल बाय किया है, ये डिटेलिंग बड़ी रखी है इसमें गेम में, मतलब वो पहले गेम में पता नहीं लगता था, डायरेक्ट काउंटर पे आ जाता है ज़्यादातर गेम्स में। इसमें प्रॉपर दिखाया हुआ है चीज़ें उठाते हुए, काउंटर यूज़ करने, इंटरेक्ट विद काउंटर, कैश, कलेक्ट द राइट अमाउंट ऑफ चेंज बाय क्लिकिंग ऑन मनी इन द कैश रजिस्टर, चेंज भी वापस करना है इस गेम में। तो सर को हमने $14.50 देने हैं, 14.50 cents। ओके हो गया, मैडम के दो ब्रेड हैं और कार्ड पेमेंट $7। ओके सर, एक सीरियल और एक ब्रेड है, दोनों चीज़ें हो गया। तो मैंने सीरियल की जगह ब्रेड और ब्रेड की जगह सीरियल बोल दिया। सर का चेंज है $1। ओके, इसी $21 हो गए हैं हमारे। और चोको पिक सीरियल मैडम का कैश 4.1234.50 cents। इसमें ना कस्टमर बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, वेट नहीं करना पड़ रहा, वरना बाकी गेम्स में प्रोग्रेस करने के लिए वेट बहुत करना पड़ता है कस्टमर्स का। अभी हाफ प्राइस हमने रिकवर कर भी लिया जो इन्वेस्ट की थी। सर का एक ब्रेड है और दो सीरियल्स हैं, कैश पेमेंट है और चेंज कोई भी नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिव आ रहा है परफॉर्म चेकआउट 5 out of 25, हमने 5 कर लिए हैं, 25 करने। और ये जहाँ तक मुझे लग रहा है 25 करने के लिए हमें दोबारा सामान ऑर्डर करना पड़ेगा इसके सर के, ये सर है कि मैडम है, खैर जो भी है। 12.5 मैडम लग रही है, व्हाटएवर। एक ब्रेड और एक सीरियल अगेन, एक ब्रेड एक सीरियल, कार्ड पेमेंट है $9। लो, हमने जितने पैसे लगाए थे उससे ज़्यादा रिकवर कर लिए हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि $100 करने के बाद सामान दोबारा ऑर्डर कर दें, अगर इतनी प्रोडक्ट्स में $100 हो जाए। दो सीरियल एक ब्रेड, कार्ड पेमेंट है $14, 14.5। एक ब्रेड और सीरियल, वैसे मैं ब्रेड की जगह फिर सीरियल और सीरियल की जगह ब्रेड, $9। ओके, अभी हमारे पास 86 हो गए हैं और 100 हो जाएंगे आई थिंक, जितना प्रोडक्ट रह गया। फिर सारा प्रोडक्ट एक साथ मंगाना पड़ेगा, एक ब्रेड, कैश पेमेंट और $46, 20, 20, 45, 6.50 cents। ओके, 10 हो गए हैं, 25 में से 10 चेकआउट्स हो चुके हैं। बस मेरा ख्याल है एक या दो कस्टमर्स आ चुके हैं, दो कस्टमर्स प्रोडक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगी और यस, मेरा ख्याल है $100 हो जाएंगे। $50 से हमने तकरीबन $100 का प्रॉफिट किया। ये हो गए, कोई चेंज नहीं वापस करना था। इनकी 3 चीज़ें हैं और कार्ड पेमेंट है 12.50। अभी जैसे हमने $50 इन्वेस्ट किया था और उससे हमने $100 कर लिया है, $100.8 डबल प्रॉफिट कर लिया। और प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए, शॉप को क्लोज कर देते हैं उससे पहले कोई और कस्टमर आए और कंप्लेन करे। शॉप हो गई है क्लोज और अब हमें ऑर्डर करना है नेक्स्ट अपना माल। माल मीन्स सामान, एक सीरियल, एक ब्रेड, एक फ्लोर, एक ऑयल, एक पास्ता और एक शुगर पाउडर। और $93 हमारे पास है, $108 परचेज। जल्दी जल्दी प्रोडक्ट्स रखते हैं और सामान सेट करते हैं।
ये आ गया है हमारा प्रोडक्ट, शुगर आया है, तो हम शुगर को यहाँ पर लगा देते हैं। इसको थ्रो किया, नेक्स्ट है पास्ता, पास्ता लगा देते हैं इसके ऊपर वाले सेक्शन में, पास्ता भी आ गया। इसके बाद है ऑयल, ऑयल यहाँ नीचे आ जाएगा, कुकिंग ऑयल। इसके बाद फ्लोर, फ्लोर लगा देते हैं शुगर के। ओ यार, ये उठा भी नहीं सकते, एक सेक्शन ज़्यादा हो गया। बहरहाल अभी हमारे पास खाली पड़ा हुआ ब्रेड, हम लगा देते हैं यहाँ पास्ते के साथ, और सीरियल रह गया। अब इन सब चीज़ों की प्राइसेस सेट करनी है दोबारा। वैसे सीरियल की और ब्रेड की प्राइसेस पहले से सेट हुई हुई हैं, हमें बस बाकी चीज़ों की प्राइसेस सेट करनी है। जो चीज़ की प्राइस एक दफ़ा सेट कर देंगे ना, वो तो भी हमें बार बार सेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पास्ता की प्राइस सेट करते हैं 0.99 और 3.12 चल रही है मार्केट प्राइस, तो इसको हम $3 का सेल कर देते हैं, $2 का प्रॉफिट इसमें हो रहा है। इसके बाद फ्लोर की प्राइस आ रही है 0.79 का, हमें आया हुआ 3.71 चल रही है मार्केट प्राइस, तो इसको ना अभी मैं कर देता हूँ 3.5 डॉलर्स। ओके, 2.71 का इसमें हो रहा है, और ये नीचे भी प्राइस सेट हो चुकी है, नीचे भी हो गई है खुद ही प्राइस सेट। अब शुगर का 1.15 डॉलर्स की आई हुई है, तो इसको और 4.83 है मार्केट प्राइस, तो इसको 4.5 डॉलर्स, 3.35 इसमें अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमें। वैसे ब्रेड में हमें 2.51 का प्रॉफिट हो रहा है, और सीरियल में 2.51, दोनों में सेम ही हो रहा है तकरीबन। ऑयल 4.50 मार्केट प्राइस है, 1.50, तो इसको हम 4.25 डॉलर का सेल करेंगे। सारी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस सेट हो गई हैं, और शॉप अंधेरा हो गया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास इस गेम में कोई अभी सोने के लिए जगह या गड़बड़ है। वैसे मैं चाह रहा था कि शॉप में ये नीचे ऑप्शन आ ही गया, मैं चाह रहा था शॉप अगले दिन से स्टार्ट करें प्रोडक्ट्स लगाने के बाद, न्यू नेक्स्ट डे एंटर करके फिनिश डे करते हैं। सेटिस्फाइड कस्टमर 12, प्रोडक्ट नॉट फाउंड 0, प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव 0, शॉर्ट चेंज 0, टोटल कस्टमर 12। अच्छा, इसमें चेंज भी शॉर्ट हो सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये तो आगे जाके ही पता लगेगा। स्टोर लेवल 76 पॉइंट्स हो गए हैं, और इनकम है 108 और सप्लाई कॉस्ट 147, टोटल प्रॉफिट -30, माइनस में चल रहे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट डे हम ये सारा कवर कर लेंगे। ओके, अब शॉप को ओपन करने के बाद कस्टमर्स का वेट करना है। अब हमें सिर्फ कैश रजिस्टर पे, अभी ना हमारे पास कोई कैश है और ना कुछ और कर सकते हैं प्रोडक्ट। वैसे अभी हम $750 लोन लेकर, लेकिन अभी प्रोडक्ट्स और अनलॉक नहीं है, लाइसेंस लिया जा सकता है, देखते हैं हम लाइसेंस बाय कर सकते हैं या फिर नहीं। अभी तो ना मैं स्केप और मैनेजमेंट लाइसेंस, लाइसेंस के लिए हमें चाहिए स्टोर लेवल 25 एंड लेवल 25। अच्छा, ये स्क्रॉल डाउन हुआ है, लेवल 3, और अभी हमारा लेवल 2, हम ये भी नहीं बाय कर सकते। और कस्टमर आ चुका है, सर का एक शुगर है, कैश पेमेंट ओके, नो चेंज, और मैडम का एक सीरियल और एक फ्लोर, कैश पेमेंट $0, ऑयल और 3 फ्लोर। लगता है सर रोटियां ज़्यादा खाते हैं। सर का $14.75 हो गया, और सर को हमने $35
ट्वेंटी थर्टी फाइव और टू फाइव सेंट्स चेंज हो गया। इसके बाद एक ऑयल की बोतल है सर की, कार्ड पेमेंट, और इसका फेस तो देखो ज़रा, इसका है 4.25 और $42 हमने दोबारा से कर लिया है। और प्रोडक्ट्स भी अभी हमारे पास पूरी हैं, मेरा ख्याल है अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसी को कंप्लीट करना है, 25 चेकआउट्स। कार्ड पेमेंट है $4.50। पास्ता लिया है सर ने, पास्ता है $3 का, सर को $2 वापस करने, 1-2। मैडम का है एक सीरियल और एक शुगर। कार्ड पेमेंट $10। ये गेम ना इंगेजिंग बहुत ज़्यादा है, कस्टमर्स पे कस्टमर्स आए जा रहे हैं, एक कस्टमर जाता नहीं है तो दूसरा आ जाता है। सर की 3 ऑयल की बोतलें और एक फ्लोर। कार्ड पेमेंट है $16। ओके इनकरेक्ट, ओ 0.25, अभी तो 25 सेंट्स का नुकसान हो जाता। 2 सीरियल और 1 ऑयल की बोतल और नो चेंज। लो दोबारा से $91 हो गए। हम प्रोडक्ट एक एक दफ़ा और ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अभी 21 चेकआउट्स, तो हम रोलिंग करने के लिए प्रोडक्ट से एक दफ़ा दोबारा ऑर्डर कर लेते हैं। पहले हमारे पास $100 पूरे हो जाए। मैम का कितना बिल है? $9 का, और $100 हो चुके हैं, $1 वापस की। अभी ना मैं जल्दी से सामान ऑर्डर कर लेता हूँ बाकी का। कार्ड पेमेंट $9। ओके सर का है 2 सीरियल, 1 ऑयल की बोतल और $15.25। ओके अभी मैं जल्दी से सामान ऑर्डर कर लेता हूँ बाकी का। $125 हो गए हैं। मार्केट, सीरियल, ब्रेड, फ्लोर, ऑयल, पास्ता और शुगर $93। परचेज सामान आ चुका है सर का। चेकआउट करने के बाद हम सामान लगा लेते हैं अपना। कार्ड पेमेंट 4.25 और मेरा ख्याल है हमने मार्केट से प्राइस कम रखी है, इस वजह से भी कस्टमर्स ज़्यादा आ रहे हैं। सर का चेंज है $1 का। और अभी मैं जल्दी से प्रोडक्ट्स लगा लेता हूँ उससे पहले के प्रोडक्ट्स चोरी हो जाएं। सुसु इधर ही लगा देते हैं और बाकी का इधर लगा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जल्दी जल्दी से सामान लगाते हैं, कस्टमर वेट कर रहा है। पास्ता, 2 पास्ता इधर आ गए, बाकी का पास्ता इधर आ गया। और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑयल, कुकिंग ऑयल इधर ही आ जाएगा। चलो कुकिंग ऑयल लग गया और एक कुकिंग ऑयल इधर लग गया। अभी पहले तो ना मैं ये क्या कुछ चोरी हुआ है। अभी हमें प्रोडक्ट लाइसेंस भी बाय करना है और इधर मैं जल्दी से ब्रेड रख देता हूँ। अभी तो ना मैं जल्दी से ये चेकआउट करवा लेता हूँ, सामान तो नहीं ना चोरी होगा मेरा। ओके ये सर का हो गया कैश पेमेंट 20, 40, 1, 2 और 50 सेंट। ओके मैडम सर का काफ़ी सारा सामान है, मैं मैडम कह रहा था सर को $15 ये, नेक्स्ट $9। अभी तो ना मेरा सामान ना बाहर से चोरी हो जाए, मुझे बस इस चीज़ का डर लगा हुआ है। और यहाँ पर कस्टमर्स पे कस्टमर्स आए जाने, मैं सोच रहा हूँ शॉप क्लोज कर दूँ। 12.75 से पहले के कोई और कस्टमर आए, जल्दी से
इनको करके शॉप क्लोज करता हूँ और बाकी के प्रोडक्ट्स लगा देता हूँ। $18 ओके, $103 दोबारा हो गए हैं और शॉप क्लोज करने से पहले मज़ीद कस्टमर आ गए हैं, तो मैं ना जल्दी से बचा हुआ सामान लगा देता हूँ कहीं पर भी। ओके, और ये सीरियल भी, और आई होप कि इनकी प्राइजेस सही हों, और सही हैं प्राइजेस। अब बाकी का चेकआउट कर देते हैं। अभी हम फिनिश डे भी कर सकते हैं, मगर मैं पहले इन कस्टमर्स को फ्री कर दूं। $2 मैडम के दो ऑयल की बोतलें, एक ब्रेड, और कैश पेमेंट है $3। $1, $2, $3 मैडम ने काफ़ी सारे सीरियल्स और एक ऑयल की बोतल ली है, और इनके हो गए हैं 20.75। कार्ड पेमेंट 20.75। ओके सर का काफ़ी सारा सामान है, और अब बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लग गए हैं। $17, 161, दो फ्लोर, कार्ड पेमेंट $7। ओके, और इसी के साथ हम आज का दिन ख़त्म करते हैं। तो आज के एपिसोड को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम नए प्रोडक्ट्स का लाइसेंस बाय करेंगे और नई प्रोडक्ट्स रखेंगे अपने स्टोर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।